अभी गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि पूरा पूरा हम प्रयास करेंगे कि ब्लॉग बनते रहें, तो देखो रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट कर दी है, डिवाइस को भी कैसे कैसे सेटअप कर लिया है, अगर आपको दिखाऊं तो कैसे सेटअप किया, तो देखो जिसका मुझे प्रॉब्लम था कि माइक जो था वो सेटअप नहीं हो पा रहा था, तो एक अलग से स्टैंड पर रख दिया कैमरा के, ताकि ऑडियो आ सकर होपफुली आ भी रहा होगा क्लियरली, ताकि अपन को और डिवाइस मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बट एक और चीज़ है, जब तक गिम्बल को हाथ में पकड़ो नहीं, चलो तो फिरो नहीं और एंगल बदल के बात ना करो, तब तक व्लॉग करने में मज़ा भी नहीं आता। सो हिलेंगे डुलेंगे सब करेंगे, बातचीत भी करेंगे, पर ट्राई ये करेंगे कि ऑडियो क्लियर रहे, आप तक वॉइस अच्छे से जाए। दोस्तों सीन ये है कि काफ़ी दुविधा में आ गए हम, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया कि अपने साथ ही चले गए, और लोग हैं, आप ऐसे नहीं लोग नहीं हैं, मेरे साथ सुधीर सर हैं, प्रकाश सर हैं, छोटू सर हैं, पांडे सर हैं अपेरेंटली, बट वो अब उतना फ्रीक्वेंटली बाहर जाना हो नहीं पाएगा, तो जो भी आप फर्दर ब्लॉग्स देखोगे अनटिल मैं जब तक घर नहीं जाता दिवाली वैकेशन में, आप यहीं से बैठे हुए देखोगे, इक्का दुक्का हो सकता है मैं बाहर निकल जाऊँ तो आपको बाहर का ब्लॉग देखने को मिल जाए, बट फॉर नाउ इस क्वारंटाइन में देना कि होम के अंदर ही बैठ के रिकॉर्ड करना है, सब बातें घर से ही कर रही हैं, तो घर की बात घर में ही रहने वाली है, आप ब्लॉग देखते रहना। सो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ा ही है यार, कि अभी सब चले गए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो अनसंग ड्यूटीज़ थी कि हाँ भाई ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, तो वो चीज़ें डिवाइडेड थी ऑलरेडी। कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत बेसिक से एग्जांपल दूँ कि सुबह का खाना सिपुन सर बनाते थे, शाम का खाना मैं बनाता था, नरेंद्र सर हेल्प करते थे, सो थिंग्स वर गोइंग ऑन स्मूथली। अब ये लोग चले गए हैं तो नेक्स्ट 10 डेज विल बी डिफिकल्ट, डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ जो रहेगी वो रहेगी वीडियो रिकॉर्डिंग करना और एडिटिंग करना, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़। कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिवाइस उतना परफॉर्म कर नहीं रहा है, और ऊपर से माइक पकड़ना और बहुत सारा मतलब हेमजिकल प्रोसेस हो गया। पहले जैसा होता था ना कि स्मूथली चलता था, कि एकदम से फ़ोन उठाया, गिम्बल उठाया और चलो भाई बातचीत करनी चालू कर दी, ब्लॉगना चालू कर दिया, उतना स्मूथ रहा नहीं अभी है, काफ़ी सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, और ज़रा सा भी एरर आ जाए तो ऑडियो आगे पीछे हो जाता है, आता ही नहीं है। और फिर रहा सेकेंड पार्ट के एडिटिंग का, तो एडिटिंग वाला पार्ट तो अगेन स्ट्रगल है, फॉर नाउ उसका अरेंजमेंट हो गया है। तो देखो फॉर नाउ के लिए तो मैंने क्या किया कि एक इन शॉर्ट करके ऐप आती है प्ले स्टोर पर, इजीली अवेलेबल है, उससे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि इसका आउटपुट कितना अच्छा आने वाला है, कितना 1080p दे पाएगा ये जो अभी तक आ रहा था, आई डोंट नो क्या होगा। अब तो आप ही बता सकते हैं, वीडियो देख रहे होंगे कि ये डिसीजन या ये जो भी अपन ने जुगाड़ किया ये कितना वंडरफुल है। तो एक बात तो पक्की है दोस्तों कि व्लॉग आने नहीं रुकेंगे, व्लॉग आएंगे, आते रहेंगे, चाहे अपन कहीं भी जाएं, बुलाना रहें, बाहर जाएं, कोटा जाएं, कहीं भी जाएं, व्लॉग आते रहेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस थिंग विद यू, जो मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में कि इस वाले व्लॉग में, अपकमिंग व्लॉग में मैं कुछ बड़ी बात बताने वाला हूँ आपको। सो वो बड़ी बात ये थी कि जैसा कि आप जानते हैं कि वाला जो चैनल है दैट इज़ कम्प्लीट डेडिकेटेड टू व्लॉग्स, और व्लॉग्स तरह तरह के होते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं कि मैं एक तरह की व्लॉगिंग करता हूँ, बट आई हैव सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू जो मैं चाहता हूँ कि लोग तक पहुँचे, और जब भी मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ आई गेट पुअर रिस्पॉन्स ऑन इट, क्योंकि वही जो मैंने एक बार रीज़न एक्सप्लेन भी किया था कि आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस ऑन दिस चैनल, सो लुकिंग इन टू दैट एंड लुकिंग इन टू द रिक्वायरमेंट एंड जो मैं चाहता हूँ लोगों को बताना, आई हैव मेड माई माइंड कि मैं एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। यस, एक और यूट्यूब चैनल, नाम क्या है, कंटेंट क्या है, ये सब धीरे 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 आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको बताता जाऊंगा, और जिस दिन यूट्यूब चैनल बन जाएगा, उस पर कॉन्टेंट चला जाएगा, उस दिन मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा, उसको जाके आप सब्सक्राइब भी कर लेना। एक हिंट देता हूँ कि किसके रिगार्डिंग है वो चैनल, इट इज़ रिगार्डिंग लाइफ, इट इज़ बेसिकली रिगार्डिंग लाइफ, माई एक्सपीरियंसिस एंड थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू पीपल टू नो, दैट आई वॉन्ट यूथ टू नो, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ उनको, शायद मेरे एक्सपीरियंसेस काम आ जाए, शायद मेरा जो छोटा मोटा नॉलेज वो लोगों के काम आ जाए, सो होपफुली लुकिंग फॉर दैट कि उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, आप उसको भी फॉलो करोगे,
आगे आने वाले व्लॉग में मैं उसका लिंक भी दूंगा, आपको चैनल का नाम भी दूंगा, सब कुछ बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना, मैसेजेस आ रहे हैं, वाइब्रेशन को इग्नोर कर सकते हो। लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना, व्यूज़ बढ़ाओ यार। ऐसा नहीं कि मोनेटाइजेशन हो गया तो वो अपन नए सब्सक्राइबर नहीं लाएंगे, व्यूज़ नहीं करेंगे, बढ़ाओ, सब्सक्राइबर भी लेकर आओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।